नमस्कार दोस्तों, अप्रैल महीने के बाद अब मई महीने में राजस्थान के क्या क्या बदलाव होंगे उसके बारे में कई सारी नई अपडेट सामने आई है। अब अगले महीने से सरकार कई सारे और बदलाव करने वाली है। मई महीने में कुल 8 बड़े बदलाव होंगे जिसका असर आप पर भी होगा। आपका खाता भी इस बैंक में है तो जान ले ये बड़ा अपडेट या आपको भी सरकार योजना में लाभ मिलता है, तो ये जानकारी आपके लिए जानना जरूरी है। दोस्तों, 1 मई से राजस्थान में क्या क्या बदलाव होंगे, नए महीने से सरकार नए लाभ देने जा रही है। अगले आप भी राजस्थान से हैं तो कमेंट में बताइए कि कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। आइए जानते हैं एक एक करके सभी जरूरी अपडेट के बारे में। सबसे पहले यह कि एलपीजी गैस की कीमतों में होगा बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस की कीमतों का रिव्यू होता है, फिर कीमतें में कटौती या बढ़ोतरी की जाती है। पिछले महीने अप्रैल में कीमतों में कटौती देखने को मिली थी और इस बार भी कीमतों में बदलाव संभव माना जा रहा है। मई महीने में कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि पिछली कई महीनों से कीमतों में कटौती हो रही है, लेकिन ये कटौती केवल 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर में हो रही है। घरेलू सिलेंडर में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी इसकी जानकारी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, 1 मई को होने वाला है 12 साल का सबसे बड़ा ग्रह गोचर। साल 2024 का सबसे बड़ा ग्रह गोचर 1 मई को होने वाला है, बुधवार 1 मई 2024 को 12:59 पर दैत्य गुरु शुक्र की राशि वृषभ में गुरु गोचर 2024 की घटना घटेगी। यह घटना 12 साल बाद हो रही है क्योंकि भाग्य और ज्ञान के कारक शुभ ग्रह गुरु 1 साल में एक बार राशि बदलते हैं और किसी भी राशि में इन्हें दोबारा आने में 12 साल का समय लगता है। अब 12 साल बाद गुरु शुक्र की राशि वृषभ राशि में आ रहे हैं। वृषभ राशि में गुरु बृहस्पति के आने के कारण कई राशि के लोगों की किस्मत का बंद ताला खुल जाएगा। इस राशियों के लोगों पर कुबेर की कृपा हो जाएगी, इनसे इन्हें खूब धन कमाने का मौका मिलेगा। आइए जानते हैं बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन का किन 4 राशियों को विशेष आशीर्वाद मिलेगा। इसके अलावा बैंक से जुड़ी जानकारी जाने तो अगले महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो बिना देरी किए निपटा लें। आइए जानते हैं मई महीने में कब कब बंद रहेंगे बैंक। 1 मई को बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 5 मई, 8 मई, 11 मई, 12 मई, 19 मई, 25 मई, 26 मई को बैंकों में अवकाश रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के नए नियम अगले महीने से हो रहे हैं लागू। IDFC फर्स्ट बैंक ने हाल ही में अपने सुपर प्रीमियम IDFC फर्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड को छोड़कर सभी क्रेडिट कार्ड्स में बदलाव का ऐलान किया है जो 1 मई 2024 से लागू होंगे। इसके तहत प्राइवेट बैंक ऑनलाइन खर्च के लिए रिवॉर्ड पॉइंट कम करेगा, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए ज्यादा खर्च आधारित मानदंड लागू करेगा और यूटिलिटी और किराया भुगतान के लिए शर्तों को अपडेट करेगा। एक स्टेटमेंट साइकिल में 20,000 रुपए तक के ऑनलाइन खर्च के लिए रिवॉर्ड पॉइंट को 3 गुना कर दिया जाएगा, ये मौजूदा समय में 6 गुना है। हालांकि कार्ड होल्डर्स प्रतिमाह 20,000 रुपए से ज्यादा के खर्च पर 10 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स पा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आधार अपडेट करने की डेट बढ़ी। केंद्र ने फ्री में आधार अपडेट करने की समय सीमा एक बार फिर 14 जून 2024 तक बढ़ा दी है। पहले यह समय सीमा 14 मार्च को समाप्त हो रही थी। इससे पहले यह समय सीमा 14 दिसंबर 2023 थी। अब आप भी 14 जून 2024 तक फ्री में आधार कार्ड में अपडेट करा सकते हैं। बता दें, यह अपडेट उन लोगों के लिए है जिन्होंने 10 साल से अधिक समय पहले अपना आधार कार्ड प्राप्त किया था और इस पर कोई भी जानकारी अपडेट करना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मनरेगा में मिलेगी ज्यादा मजदूरी, लोकसभा चुनाव पूर्व केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। राजस्थान में मनरेगा मजदूरी बढ़ाई गई। 1 अप्रैल से अब राजस्थान में मनरेगा मजदूरों को करीब 11 रुपए अधिक मजदूरी मिलेगी। प्रदेश में मनरेगा मजदूरों को अब बढ़ी हुई मजदूरी मिलेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तय की गई है मनरेगा श्रमिकों की नई मजदूरी मिलेगी। केंद्र सरकार ने मजदूरी की दरों में 3% से 10% की बढ़ोतरी की है। राजस्थान में मौजूदा वक्त में मनरेगा श्रमिकों को 255 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलती है। नए सत्र से मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी में 11 रुपए का इजाफा किया गया है। अब 1 अप्रैल से राजस्थान के मनरेगा श्रमिकों को 266 रुपए मजदूरी मिलेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 मार्च 2023 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी की दरों में बदलाव की अधिसूचना जारी की थी। वर्ष 2023-24 में मजदूरी की दरों में सबसे अधिक बढ़ोतरी राजस्थान में की गई थी। इस बढ़ोतरी के बाद वर्ष 2023-24 में मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी 255 रुपए हो गई। वर्ष 2022-23 में 231 रुपए मनरेगा मजदूरी थी। इसके अलावा दोस्तों, राज्य सरकार मानदेय में करेगी 10% की बढ़ोतरी। सरकारी रसोड़ा मिड डे मील संचालित करने वाली कुक कम हेल्पर को अगले वित्तीय वर्ष से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। राज्य सरकार ने 10% राशि बढ़ाई है, ये इस महीने से मिलेगी। ऐसे में अब कुक कम हेल्पर को प्रति माह 2,143 रुपए का भुगतान होगा। राज्य में सरकारी विद्यालयों में 1 से 8 तक के बच्चों को मिड डे मील दोपहर का भोजन दिया जाता है। राज्य व केंद्र सरकार की महती योजना के तहत स्कूल में मिलने वाले दोपहर के भोजन को पकाने के लिए कुक कम हेल्पर विद्यालयों में कार्यरत है। इनको हर माह मानदेय मिलता है।
इसके अलावा दोस्तों, ईपीएफओ का नया नियम लागू हुआ, ईपीएफओ के नियमों में भी बदलाव होने वाला है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अगले महीने से नया नियम लागू करने वाले हैं। इस नियम के अनुसार अब नौकरी चेंज करने के बाद पीएफ अकाउंट ओंटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए यूजर को रिक्वेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। इस नियम के लागू होने के बाद यूजर की परेशानी एक हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, 30 से अधिक टोल प्लाजा से निकला होगा महंगा। राजस्थान में नेशनल हाईवे के कुल 95 टोल प्लाजा है, जिनमें से जयपुर सीकर, मनोहरपुर दौसा, जयपुर दिल्ली, सालासर से नागौर, राजगढ़ से हरियाणा सीमा, जयपुर रिंग रोड सहित 30 से अधिक टोल प्लाजा पर रेट बढ़ गए हैं 1 अप्रैल से। इसके अलावा प्रदेश के 50 से ज्यादा टोल प्लाजा पर 1 जुलाई और 1 सितंबर से टोल की दर बढ़ेंगी। इसके अलावा दोस्तों, रेलवे करने जा रहा ये बड़ा बदलाव, डिजिटल भारत की दिशा में कदम बढ़ाते हुए रेलवे कई नए बदलाव करने जा रहा है। इसी क्रम में रेलवे खाने से लेकर टिकट, जुर्माने और पार्किंग तक सभी जगह ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू कर रहा है। खास बात ये है कि ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से भी रेलवे अब QR कोड स्कैन कराकर जुर्माना वसूलेगा। हालांकि रेलवे के इस कदम से यात्रियों को सहूलियत भी होगी। अगर कोई यात्री बिना टिकट पकड़ा जाता है और उसके पास यात्रा के दौरान कैश नहीं है, जो वह डिजिटल भुगतान करके जेल जाने से बच सकेगा। इसके लिए रेलवे चेकिंग स्टाफ को हैंडहेल्ड टर्मिनल मशीन देगा। यह कई जगहों पर अप्रैल से लागू हो गया है और कई जगहों पर अब से लागू होगा। मई महीने में भी कई जगहों पर यह लागू होगा, जिसे आप अब रेलवे के सभी जगह ऑनलाइन भुगतान अब से मिलेंगे। EDLIRC लाइसेंस बनाने वाले और वाहन खरीदने वाले लोगों को अब से स्मार्ट RC और लाइसेंस के लिए 200 रुपए नहीं देने होंगे। इनकी जगह अब लोगों को IDLIRC मिलेगी। आवेदक चाहे तो iMitra Plus मशीन से प्लास्टिक कार्ड पर प्रिंट भी ले सकेगा। तो दोस्तों, यह थी मई महीने के बारे में कि अगले महीने क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। साथ ही आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं वो भी कमेंट में बताइए।